अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सुबह खैर, जुमातुल मुबारक, 13th of September 2024। और घर से निकला हूँ, बल्कि घर में ही मुझे जो है राइड मिल चुकी थी। ड्राइव मैंने ऑन रखा हुआ था, मैं कहा यार घर में बैठते हैं, वाईफाई पे थोड़े सिग्नल ज़रा टेट करके होते हैं, तो ये मैं बाहर चौक में जाके क्या खड़ा होना है। तो IN4 ये स्पेशल एजुकेशन के अपार्टमेंट्स हैं यहाँ पे मेरे अकब में, यहाँ से 200 रुपये में IN3 की मिली है। मैंने I-93 में स्ट्रीट में ये इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ पर ड्रॉप कर दिए। 201 रुपये बने थे, भाई ने 210 रुपये दे दिए, तो चलें जी, अच्छा है, अल्लाह खुश रखे। सेकंड ये कि आज मैंने यार एक स्नैप ले ली है, पिक्चर ले ली है अपने मीटर की भी, कि यार पता चले 621.70 पे मैंने लिए, 1 किलोमीटर चल गया, 621.69 आज मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है। अभी घर जा कर पहुँच कर देखेंगे कि कितने किलोमीटर गाड़ी चली और कितना पैसा हमारे पास आया है, आज ये हिसाब किताब भी कर ही लेते हैं। दोस्तों चूंकि आज फ्राइडे का दिन है, तो I-93 की 2.25 किलोमीटर की राइड मैंने उतार कर सीधा यार 9th Avenue के पैरेलल जो I-9H9 का सर्विस रोड है उससे मैं जा रहा हूँ। आगे एक्साइज का दफ्तर है, यहाँ से मेरी कोशिश है रॉन्ग लेकर, क्योंकि 7 Up चौक वाला जो है इशारा है, तो यार कभी कभी रॉन्ग भी ले लेना चाहिए। अब क्या करें कि पेट्रोल इतना ज़्यादा यार महंगा कर दिया है, आगे चौक में खड़े होके बेड़ा गर्क हो जाता है। तो अभी यार यहीं से मुड़ते हैं जी, ऑटो जड़े ने बच्चो ऑटो जान दो सोए, तो इधर सही है देखें भाई जी, यहाँ से मैं रॉन्ग साइड पे चला गया, वो आगे जहाँ पे पेडेस्ट्रियन पुल है या मेट्रो का पुल है ये रेड कलर का, ये वाला जी स्टॉप है मेट्रो स्टेशन का। तो इससे आगे जो सिग्नल है, सिग्नल यार बंद रहता है सुबह का टाइम, एक्साइज का दफ्तर भी है साइड पे, तो यहीं से मैं नीचे उतर गया ये देखें 9th Avenue पे, और जा रहा हूँ G9 की साइड पे मुंह है। आज यार चूंकि फ्राइडे भी है तो टाइम कम होता है ऑफिस का भी, 1 बजे तकरीबन जो है हमने ऑफ करना होता है, तो इस वजह से कुछ बजट पे काम करना था, मैं क्या यार टाइम पे जाते हैं। चलें जी 210 रुपये आ गया, 200 190 की चलो बचत हो गई है, बाकी रास्ते में अगर कोई मिलती है उठा लेंगे, अदरवाइज यार जाते रहेंगे। माशाल्लाह यार रात को बड़ी ज़बरदस्त बारिश हुई है, 4-5 दिन पहले भी साथ हवा भी चल रही थी और बारिश भी हो रही थी, रात को भी बाबा जी इसी तरह हुई है। लेकिन यार अजीब बात है, गर्मी हर सूसी तरह है, हालांकि आज 13th of September 2024 है, तो फिर भी इसी तरह है। आगे भी कल्टस शहजादी माशाल्लाह जा रही है, तो बस G9 पहुंच गया हूँ, साथ ऐप को भी चेक करते हैं जी। दोस्तों दिन के 12:30 बज चुके हैं और ऑफिस में बैठा हुआ था, जैसे ही मैंने अपना कंप्यूटर शट डाउन किया, लैपटॉप वगैरह बंद किए हैं और फाइल्स वगैरह अपनी जगह पे रखी, और साथ ही जनाब मुझे G10-3 से राइड मिली 388 में यहाँ पे डीवार्सन I-8 मरकज की। तो मैंने बाबा जी दस्ती उसी फेयर में बेड डाल दी और इट वाज एक्सेप्टेड बाय द पैसेंजर, सो आई ड्रॉप्ड हर हेयर इन फ्रंट ऑफ डीवार्सन। तो अब नेक्स्ट देखते हैं। 11:36 हो गया, I-84 की I-8 मरकज़ तहजीब से मुझे राइड मिली है, पैसेंजर ने मैसेज किया है कि जल्दी आएँ, और मैं ऑलरेडी आई वॉज देयर, तो सो आई टेक्स्ट दैट आई एम ऑलरेडी देयर। तो अभी पैसेंजर इज़ ऑन द वे और यहाँ से इनको पिक करूँगा और यहीं से बाहर निकल के I-84 तक जाऊँगा। ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 1.3 किलोमीटर की राइड होगी 180 में। 12:40 हो गए हैं भाई जी, और 180 रुपये बनते थे I-84 वाली राइड ने मुझे पे किए हैं और 200, और अभी साथ ही 40 मिनट पर ही मुझे मिल गई है I-84 से I-83 की 180 की राइड। चलें जी इसको भी करते हैं कंप्लीट। राइड को मैंने नोटिफाई किया, कॉल की,
कह रहे हैं माजरत हमने कार दी है आप कैंसिल कर दो। मैं क्या भाई जी मैं कैंसिल क्यों करूँ, आप कैंसिल करें, मुझे क्यों 20-25 रुपया आप डाल रहे हैं। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद स्कूल IIT कैंपस, यहाँ की एक टीचर उस दिन भी मैंने ना उतारी थी एक दो दिन पहले, तो कहते हैं कि वो किसी और गाड़ी पे चली गई। मैं क्या बड़े अफसोस की बात है यार, एक मिनट को विद इन 40 सेकेंड आई वॉज देयर, पूरा एक बज चुका है, लास्ट राइड ने यार कैंसिल करके बड़ी जलालत करवाई, क्योंकि यार 20 मिनट मुझे लग गए। फिर मैंने कहा यार इधर उधर से भी मिलती है, अब 2 किलोमीटर दूर से मैं राइड उठाने जा रहा हूँ H4, मेरे ख्याल में ये FBISE के फ्रंट पे है 2 किलोमीटर के फासले से, और इसको IIT मरकज़ में उतारना है 220 रुपये में। अब 2 किलोमीटर पिकअप करने जाऊंगा, 2 किलोमीटर जनाब ये इसकी ड्रॉप ऑफ होगी, तकरीबन 4-1 किलोमीटर की ये राइड है, नॉट बैड, कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। तो अभी मैं तकरीबन ये कचनार पार्क के साथ से जा रहा हूँ, बड़ा ज़बरदस्त पार्क है यार इस्लामाबाद का। ये देखो बाइक वाले ने भी जंप मारा, मैंने भी जंप मारा, मैं भी वीडियो में लगा हुआ हूँ। बाइक वाला तो माशाल्लाह डबल सवारी बिठा के तो 53 ले के जा रहा है यार, क्यों आंटी को गिराएगा यार, जालम के बच्चे ना करे ऐसा। और यार ये देखो ना, एक तो माशाल्लाह लेडीज़ अल्लाह सलामत रखे इनको, नसीब सब के अच्छे करे, तो अब ये दुपट्टा इस बेचारी का नीचे आ रहा है, खुदा न खास्ता चैन में अटक गया तो यार ये हादसा हो सकता है, लिहाजा इस पर भी हमें केयरफुल रहना चाहिए। लें जी तकरीबन करीब पहुँच गया हूँ, ये यार IIT वाला फ्लाई ओवर है जो के शकरपड़ियाँ की तरह जाता है, ये भी जिग जैग, इसकी भी समझ नहीं आती, नया बंदा तो वैसे ही अटक जाता है। तो यहाँ पे ना यहाँ पे भी काफ़ी हादसात होते रहते हैं, तो चलें जी मैं नोटिफाई कर लेता हूँ अपने पैसेंजर को, क्योंकि FBISE के सामने आ चुका हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में FBISE की नेक्स्ट बिल्डिंग है जो कि कोई मेडिकल कॉलेज है, दिस वन। तो चलें जी इनको करते हैं नोटिफाई, ये वाला है जी कौमी अदारा बराए खसूसी तालीम है कि क्या है, शायद ये नहीं है, वो सामने मेरी मेरा पैसेंजर शी इज़ वेटिंग है। लें जी 1:07 हो गए हैं और 220 की राइड थी, जबकि इन्होंने मुझे 250 पेमेंट की और मैंने भी 5 स्टार ठोक दिया भाई जी, और IIT मरकज़ में दोबारा पहुंच गए हैं। अब ये जो राइड मैंने पिक की है H8 मैनेजमेंट एंड बिजनेस कॉलेज के सामने से, तो पिकअप जो थी मेरी 2 किलोमीटर थी और 1.5 किलोमीटर की यहाँ तक फासला था, 3.5 किलोमीटर 250 में, नॉट बैड यार। 1:09 और सिल्क बैंक IIT मरकज़ से मुझे ये 300 मीटर या 250 मीटर होगा, यहाँ से रास्ते में ही पड़ता है, वहाँ से मुझे मिली है सिल्क बैंक से IIT मेट्रो स्टेशन की, पठवार मेट्रो स्टेशन की जो I9 के सामने वहाँ की यार राइड 201 में मिली है। टोटल ये पिकअप एंड ड्रॉप ऑफ मिला के तकरीबन होगी 1.5 किलोमीटर की राइड, नॉट बैड। तो मैंने भी भाई जी एक्सेप्ट कर ली, तो अभी मैं इसको पिकअप करने जा रहा हूँ, तो वहाँ से मैं देखूँगा अगर कोई मिलती है I9 की आज, क्योंकि जुमातुल मुबारक भी है और काम माशाल्लाह यार छोटी छोटी राइड्स मुझे मिल गई हैं, और अच्छा छोटी छोटी राइड यार पर किलोमीटर हमें 100-120 इस तरह भी पर किलोमीटर की पड़ जाती है, जो कि नॉट बैड यार। तो बाकी अभी देखते हैं, जुमातुल मुबारक भी है तो घर के करीब भी मेट्रो स्टेशन I9 वाला IIT वाली साइड पर उतारना है, तो वहाँ से कोई राइड मिलती है ठीक है, नहीं तो घर जाएंगे यार, जुमातुल मुबारक की नमाज अदा करनी है तो फिर निकल जाएंगे। ये भटखड़ाई की इस साइड से आ गया ये वाला, ये IIT 4 वाली साइड पर मरकज़ का जो आता है, ये मैं पहुँच चुका हूँ, ये सिल्क बैंक है। लें जी दोस्तों 1:14 हो गए और आपका भाई IIT से I9 की तरफ 300 मीटर का फासला यार यहाँ से घर का, भाई जी जाते हैं नमाज नमाज अदा करते हैं। 62-196 और -62-169 जो कि सुबह मैंने नोट की थी, 27 किलोमीटर बाबा जी टोटल राइड मेरी गाड़ी चली है।
520 रुपीज़ का मेरा पेट्रोल लग गया, 1198 रुपए की टोटल मैंने आज मजदूरी की थी। अभी ये राइड आ रही है लेकिन बाइक बाहर की आ रही है, छोड़ो यार। अच्छा 1198 और 119 रुपए इसमें से टैक्स काट के, तो उसके बाद मुझे 1078 रुपए जो है मुझे मिल गए हैं। तो इट्स मीन के 50-50 यानी 520 का और 520 के ऊपर जो है वो जो है मुझे बच गए। उसमें भी 100 रुपया यार गाड़ी का ख़र्चा लगा दें। ठीक है, तो मेरे प्यारे प्यारे दुनिया के खूबसूरत तरीन दोस्तों, अल्लाह आपको खुश रखे, ये व्लॉग यहाँ पे ख़त्म करते हैं। ये तकरीबन भाई जी सुबह भी मैंने घर से आपके सामने राइड उठाई थी, जैसे निकला एक ही राइड मैंने भाई जी टिका के उठाई, टिका के क्या भाई जी 200 रुपये की उठाई है, और वो I9 में उतार के मैं I9 3 में सीधा ऑफिस चला गया। ऑफिस जाके, ऑफिस का भी जाहिर है ड्यूटी है और हिलाल रिस्क एन इबादत है, वहाँ से भी मुझे पैसा मिलता है, सैलरी मिलती है, तो इस वजह से वहाँ पे भी जाना ज़रूरी था। तो वहाँ पे गया सीधा बगैर किसी और राइड का वेट किया। रास्ते में मैं ऑफर्स डालता रहा हूँ जो जो रास्ते की आती रही है, नसीब में नहीं था तो मुझे नहीं मिली। तो वापसी पे आपके सामने मैं जनाब 12 बजे तक, यानी 12 बजे के बाद तकरीबन निकला हूँ, तो 1 घंटा भी हुआ क्योंकि 1:15 अभी हो रहे हैं, 1:20 पे। तो उसमें मैंने ये बाकी राइड्स उठाई हैं जो कि 1078 रुपये टोटल हुए, 520 आपको साफ करके मैंने इसका तकरीबन पेट्रोल लग गया। दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह पाक हम सब का अमीन नासिर हो। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा अपने भाई का। अल्लाह हाफिज़, खुदा इन्हें के वांग।